नमस्कार दोस्तों, जीएस आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत। दोस्तों, बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा कई सारे पदों पर बहाली होती है, उनमें से एक पद है डीएसपी का पद। अगर आप पावर जज्बा के साथ नौकरी करना चाहते हैं तो डीएसपी का पद सबसे उपयुक्त है आपके लिए। अगर वर्दी आपकी सबसे बड़ी चाहत है तो डीएसपी आपके लिए काफ़ी उपयुक्त पद है। तो दोस्तों, इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि डीएसपी का कार्य क्या है, उसके वेतनमान कितने मिलते हैं, पदोन्नति के क्या क्या अवसर हैं और क्या क्या फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती है। इन सभी विषयों पर आज मैं बात करूंगा। इससे पहले, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत डीएसपी का पद जो है वो काफ़ी पावर तामझाम वाले और साथ साथ प्रतिष्ठा और ग्लैमर का पद है। दोस्तों, डीएसपी का जो वर्क प्रोफाइल है, बस यूं समझ लीजिए कि जिला में जिस प्रकार एसपी अपने वर्कों को करता है, वह अपने कार्य को करता है, सिमिलर वर्क जो है डीएसपी के द्वारा सब डिवीजन में किया जाता है, अनुमंडल में किया जाता है। तो ये काफ़ी ग्लैमरस पद है, काफ़ी पावर वाला पद है और सबकी चाहत होती है। अगर आपकी चाहत वर्दी है तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि आपको नेतृत्व की क्षमता मिलेगी, नेतृत्व करने का अवसर भी मिलेगा और आप पब्लिक के लिए काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, डीएसपी का जो पद होता है वो राज्य पुलिस सेवा के अंतर्गत पहले स्थान पर होता है और ये सर्वोच्च पद है राज्य पुलिस सेवा के अंतर्गत, और इसकी बहाली जो होती है वो बीपीएससी के द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करके होती है। पुलिस विभाग में नौकरी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है और ये काफ़ी ग्लैमरस भरा नौकरी होता है और इसमें काफ़ी पावर, अगर आप पावर ग्लैमरस के शौकीन हैं और आप वर्दी के शौकीन हों तो डेफिनेटली ये पद जो है आपके लिए काफ़ी उपयुक्त है। दोस्तों, पुलिस अधिकारी डीएसपी का जो जिम्मेदारी होता है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि उनको अनुमंडल में वही सारे वर्क करने होते हैं जो आईपीएस अधिकारी को जिला में करने होते हैं। तो यह पद जो होता है काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। पुलिस अधिकारी को समय पर ड्यूटी करना पड़ता है और ये ड्यूटी आपका 24x7 आवर का होता है, मतलब आपको 24 घंटे 7 दिन आपको अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अनुमंडल में पुलिस अधिकारी को कानून व्यवस्था के रख रखाव की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर होती है। कानून व्यवस्था के मामलों में पुलिस के कार्यों का नेतृत्व करता है तथा उन्हें यह देखना होता है कि उसके क्षेत्र में कोई आपराधिक गतिविधि नहीं तो है, हो नहीं रहा है, और शांतिपूर्ण नागरिक जो है वो शांतिपूर्ण और सद्भाव से जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। इन सभी कार्यों का देखरेख कौन करता है? डीएसपी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। डीएसपी को एक संवेदनशील क्षेत्र में पोस्टिंग अगर मिलती है, अगर जिस क्षेत्र में मिलती है अगर वो संवेदनशील है तो वहाँ उनकी कार्य जो है और चुनौतीपूर्ण हो जाती है और उनको काफ़ी आपराधिक गतिविधियों का भी सामना करना पड़ता है। अब आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि इनको वेतनमान कितना मिलता है। तो दोस्तों, इनको वेतनमान और अन्य सुविधाओं के बारे में जाने तो डीएसपी को जो वेतनमान है वो काफ़ी आकर्षक वेतनमान है और इनके वेतनमान के साथ साथ अन्य सारे भत्ते भी मिलते हैं। तो डीएसपी को सिक्स्थ पे कमीशन के अनुसार ये 9300 से 34800, मतलब 5400 ग्रेड पे के अंतर्गत इनका वेतनमान मिलता है। तो इस प्रकार से 7वें पे कमीशन के अनुसार इनका वेतन जो होता है वो 53100, ये बेसिक ग्रेड पे हो गया, बेसिक पे हो गया, और ये बेसिक पे के साथ साथ इनको डीए प्लस मेडिकल अलाउंस के साथ साथ और सारे अलाउंस भी इनको मिलता है। डीएसपी को वेतन के साथ साथ अन्य सभी लाभ मिलता है जो डीएसपी को दिए जाते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से लाभ हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको सुरक्षा गार्ड मिलता है, घरेलू नौकर मिलता है, रसोईया माली वगैरह भी मिलता है, ड्राइवर मिलता है, और साथ साथ आपको एक आधिकारिक वाहन भी मिलता है, एक या दो आधिकारिक वाहन मिलता है। आपको टेलीफोन फैसिलिटीज भी मिलती है जिसका बिल सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है, और डीएसपी को 24x7 आवर ड्यूटी करनी होती है, और डीएसपी का एक कार्यालय जो होता है वो अपने आवास पर भी होता है, तो आवास के कार्यालय के लिए भी इनको कर्मचारी के साथ साथ है प्यून वगैरह की भी सुविधा उपलब्ध होती है। साथ ही इनको बिजली बिल का भुगतान नहीं करना होता है, बिजली बिल का जो भी बिजली बिल आता है उसकी भुगतान सरकार के द्वारा की जाती है। आधिकारिक यात्राओं के लिए अगर ये कहीं जाते हैं तो इनको उच्च श्रेणी का आवास के साथ साथ अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही अगर ये
इस सेवा में आने के बाद स्टडी लीव लेना चाहते हैं तो वो स्टडी लीव ले सकते हैं, उसकी सारी खर्च जो है वो सरकार देती है, साथ साथ पेंशन की भी व्यवस्थाएँ हैं, तो ये सारी सुविधाएँ मिलती है। अब जानते हैं कि डीएसपी को पदोन्नति का क्या अवसर है। तो डीएसपी को पदोन्नति का अवसर बहुत ही ज़्यादा है और ये पदोन्नति का अवसर जो है इनको इतनी ज़्यादा है कि पुलिस विभाग में ये आप देख सकते हैं कि एक डीएसपी जो है जिसको उप पुलिस निरीक्षक कहा जाता है हिंदी में, तो इसको इसके बाद उनको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मतलब एएसपी के पद पर जाते हैं, उसके बाद उन्हें पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी के पद पर जाते हैं, उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी के पद पर जाते हैं और पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी के पद पर, उसके बाद ये सारी आईजी और एडीजीपी के पद पर जाते हैं, साथ ही डीजीपी के पद पर जाते हैं। तो ये पदोन्नति के काफ़ी अवसर हैं, लेकिन इनमें इनको दो तीन पदोन्नति तो मिल ही जाती हैं अपने पूरे सर्विस भर में, तो उनको सात से आठ साल के अगर जॉब उनका प्रोफाइल हो गया है और काफ़ी बढ़िया जॉब रहा है तो उनको एक पदोन्नति दे करके एएसपी बनाया जाता है। साथ ही 12 से 13 साल में उनको पूरी सेवा करने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, या एएसपी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एसपी के रूप में नियुक्त किया जाता है। मतलब 12 से 13 साल के अंदर जो होता है ये क्या कर सकते हैं, इनको आईपीएस बैच में सम्मिलित कर लिया जाता है, भारतीय पुलिस सेवा के बैच में सम्मिलित कर लिया जाता है और इनको एसपी का पोस्ट प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है। एसपी और जहाँ जहाँ ये अगर जहाँ एसपी का व्यवस्था नहीं होता वहाँ डीसीपी बना दिया जाता है। एसपी के पद के आने के बाद ये पुलिस अधिकारियों के पुलिस अधीक्षक एएसपी, इसके बाद का जो पद होता है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का होता है, तो एसपी के बाद इनको एसएसपी का पोस्ट भी दिया जाता है और सिलेक्शन ग्रेड मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, एसएसपी अगर संतोषजनक रहा, इनको काफ़ी अच्छा कार्य रहा, तो इनके कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो यूपी राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो भर्ती होता है यूपीएससी को ये भेजा जाता है कि भाई इनको सेवा संवरण प्रदान कर दिया जाए, तो इनको आईपीएस का सेवा संवरण भी मिल जाता है। और जनरली यह देखा जाता है कि इनके पूरे सर्विस आवर में अगर सर्विस आवर लंबा है तो दो तीन पदोन्नति तो मिल ही जाती है। मतलब पुलिस विभाग में भी बहुत सारे रैंक होते हैं, उन रैंक के अनुसार इनको कम से कम 2 से 3 पदोन्नति तो मिल ही जाती है। मतलब आप अगर किसी कारणवश अगर आप आईएएस आईपीएस की तैयारी की करना चाहते हैं और अगर आप आईपीएस नहीं बन पाते हैं तो अगर आप डीएसपी बन जाते हैं तो आपके ये सपना साकार हो जाएगा, आईपीएस बनने का सपना साकार हो सकता है, क्योंकि मिनिमम आपको आईपीएस बनने के लिए 15 साल के आसपास में लगेंगे और आप आईपीएस अधिकारी बन जाएंगे, तो आपको आईपीएस बनने का इसमें अवसर तो मिल ही जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा और ग्लैमरस पोस्ट है, काफ़ी पावरफुल पोस्ट है, इसलिए ये जो है वो आप जी जान लगा दें अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अगर आपका जुनून वर्दी है, जुनून अगर वर्दी है तो डेफिनेटली आप जी जान से तैयारी करें और डीएसपी का पोस्ट हासिल करें। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।